लोगों को अपना आशियाना मिल सके, इसके लिए हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण 54 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इन प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, 37 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जबकि 16 प्रोजेक्ट पर अभी काम शुरू नहीं हुआ। इन प्रोजेक्टों से करीब 50,000 लोगों को अपना आशियाना मिलेगा, पर कुछ बिल्डरों और अधिकारियों की मिलीभगत से लोगों का सपना सपना ही रह जाता है। हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण लोगों के आशियानों का सपना पूरा कर सके, इसके लिए कठोर कदम उठाने का ऐलान किया है। प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाते हुए धांधली करने वाले बिल्डरों का लाइसेंस रद्द करने के लिए जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि कोई भी बिल्डर खरीदार से ईडीसी और आईडीसी वसूल नहीं सकता। इसके साथ प्राधिकरण ने लोगों से फॉर्म के लिए 1,000 रुपए से अधिक नहीं देने की बात कही। अफोर्डेबल हाउसिंग में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए हरेरा गुरुग्राम के डीटीसीपी विभाग को इससे जुड़े फॉर्म शहर के चुनिंदा सरकारी दफ्तरों में भी उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी डीलरों और डीलरों के कमीशन पर भी हरेरा गुरुग्राम ने बड़ी चोट करते हुए अफोर्डेबल हाउसिंग से दूरी बनाने की चेतावनी दी। करीब 300 एकड़ जमीन में गुड़गांव में चल रहे हैं, जिनमें से करीब 50,000 लोगों के लिए मकान बनाए जाने हैं। एक प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, जिसमें 1,000 मकान सिग्नेचर ग्लोबल ने ऑक्यूपेशन लेकर के लोगों को हैंडओवर कर दिया है। 34 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन प्रोजेक्ट्स पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, और 15 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर अभी कंस्ट्रक्शन शुरू होनी है। अफोर्डेबल हाउसिंग के मामले में ये एक ऐसी नायाब योजना सरकार ने लागू की, जिसके तहत जो लोग मध्यम वर्ग के हैं उनको अफोर्डेबल प्राइस पर मकान उपलब्ध हो सके। प्राधिकरण ने धांधली और बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए बिल्डरों को सख्त चेतावनी दी है, पर इन चेतावनियों पर अमल करना प्राधिकरण के लिए बड़ी चुनौती होगा। आलोक उपाध्याय, टोटल न्यूज, गुरुग्राम।